हेलो बच्चों, कंप्यूटर में आपके चैप्टर 3 में हम तीन क्वेश्चंस कर चुके थे, चूज द करेक्ट फिलिप्स एंड ट्रू फॉल्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स एंड के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दी पार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3 मेन पार्ट ऑफ के टर्टल विंडो। क्योंकि हम चैप्टर के टर्टल का कर रहे हैं तो आपने रीडिंग करी होगी, आपको पता होगा के टर्टल के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, और उनके नाम क्या है वो आपको बताना है। नेम द 3 पार्ट्स ऑफ के टर्टल विंडो। There are 3 main parts of key turtle windows, that is editor pane, canvas and inspector pane. Okay, फिर से repeat कर रही हूँ, the 3 main part of key turtle windows are editor pane, canvas and inspector pane. अब question number 2 is what is the difference between reset and clean command? Reset और clean command में क्या difference होता है? Reset होता है जो सारा data जो भी key turtle ने बनाया होता है वो clean कर देता है, वो बिल्कुल अपनी center वाली position पर आते, चाहे key turtle यहाँ पर हो, रीसेट करते ही वो सारा क्लीन होने के बाद वो सेंटर पे आ जाएगा और सेंटर में आपकी पोजीशन बिल्कुल स्टार्टिंग वाली हो जाएगी और आप नए कमांड को एक तरह से बिल्कुल नए सिरे से के टर्टल को कमांड देके दोबारा से काम से निकलवा सकते हो। और क्लीन कमांड क्या होता है? क्लीन कमांड का मतलब ड्राइंग जो भी आपने उसने के टर्टल ने ड्रॉ करी होगी कैनवस से, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर के टर्टल यहाँ पर है तो वो यहीं पर रहेगा क्लीन होने के बाद भी कैनवस का। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द रीसेट कमांड क्लीन्स अप द कैनवस, कैनवस को क्लीन करते कम्प्लीटली एंड द पोजिशन ऑफ के टर्टल विल बी एट सेंटर। के टर्टल की पोजिशन कहाँ आ जाएगी? सेंटर पे। बट यू कैन यूज़ इट वेन एवर यू वॉन्ट टू ट्राई द न्यू सेट ऑफ कमांड। और आप इसको कब यूज़ कर सकते हो? जब आप न्यू सेट ऑफ कमांड को नए सिरे से स्टार्टिंग से के टर्टल से काम करवाना चाहते हो, उसको नया कमांड देना चाहते हो तब। एंड क्लियर कमांड इज, क्लियर कमांड विल क्लीन ऑल द ड्रॉइंग ऑन द कैनवस, सारी कैनवस की ड्रॉइंग को क्लीन कर देता है। बट लेकिन जो पोजीशन एंड द एंगल ऑफ टोटल एच है वो इस तरह हो और इस तरफ उसका मुंह हो तो वो उधर ही आप उसका पोजीशन एंड एंगल ऑफ टोटल विल रिमेन एज दे वर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द यूज ऑफ DIR कमांड। DIR कमांड मीन्स डायरेक्शन कमांड। सो DIR कमांड इज डायरेक्शन कमांड एंड इट टर्न्स द टोटल इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, कि राइट साइड में टर्न करता है। और राइट साइड में टर्न तो हम टर्न राइट करके भी करते हैं, लेकिन टर्न राइट के बजाय आप डायरेक्शन कमांड करोगे, डायरेक्शन DIR स्पेस जितने डिग्री के लिए आप लिखोगे उतना डिग्री वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कर देगा विदाउट यूजिंग द टर्न राइट और टर्न लेफ्ट कमांड। ओके, नाउ इज नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्राइट हाइड एंड स्प्राइट शो कमांड। अब आपको पता होगा, आपने रीडिंग करी होगी, तो स्प्राइट का मतलब क्या होता है? के टर्टल का, के टर्टल में टर्टल का दूसरा नाम स्प्राइट होता है, उसको कहते हैं स्प्राइट। और स्प्राइट शो का मतलब, यानी कि अब पहले स्प्राइट हाइट का पढ़ते हैं। स्प्राइट हाइट का मतलब कि हम उसको कमांड देते हैं कि स्प्राइट हाइट हो जाओ, यानी कि टर्टल हाइट होकर काम करो, यानी वो दिखाई नहीं देगा लेकिन सारी ड्रॉइंग वगैरह वो सारे काम करेगा छुप कर। और स्प्राइट शो का मतलब अगर आपने हाइड कर रखा है उसको कमांड दोगे, आप ऑर्डर दोगे कि वापस से नज़र आने लग जाओ, तो वैसे ही वो जहाँ पे भी ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अवेलेबल होगा, छुप के बैठा होगा, वो वापस से आपके सामने आ जाएगा। सो स्प्राइट हाइट कमांड इज़ यूज टू हाइड द टर्टल फ्रॉम द कैनवस, कैनवस से वो हाइड हो जाता है। एंड द टर्टल कैन ड्रॉ लाइन इवन वैन इट इज़ हिडन, चाहे वो हिडन हो फिर भी वो काम उतना ही करता रहेगा। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्प्राइट हाइट इज SH, हम कमांड कैसे देते हैं SH, और उसको कमांड देंगे वो हाइड हो जाएगा। एंड स्प्राइट शो कमांड ऑर्डर्स द हिडन टर्टल टू गेट बैक ऑन द कैनवस, कि वो कैनवस पे वापस आ जाए और हमें दिखाई देने लग जाए और जैसे काम कर रहा था वैसे करता रहे। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्प्राइट शो इज SS, SS मीन स्प्राइट शो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये आप अपनी पेन नोटबुक में काम कर सकते हैं। थैंक यू।